हेलो फ्रेंड्स, और मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप लोगों के आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और रिकवरी एजेंट से आप भी परेशान हो चुके हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आके बैठ जा रहे हैं या फिर आपके ऊपर वो लोग बोलते हैं कि केस करेंगे या आपकी इमेज को आपके जो भी गांव समाज में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे आपको रिकवरी एजेंट से छुटकारा मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। किसी भी तरह का अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लोन लिया है और उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखने के लिए ये मिलता है कि आजकल ये कंपनियां अपने पीक पर आ चुकी हैं और तुरंत ही आपके घर पे रिकवरी एजेंट को अपॉइंट कर देती है। तो रिकवरी एजेंट का क्या सिस्टम है वो भी पहले आप लोग जान लीजिए, जो आपको जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कि एक्स कंपनी है और एक्स कंपनी ने एक वाई आदमी को लोन दिया, अब वो लोन वापस नहीं पेमेंट कर पा रहा है, तो एक्स कंपनी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो वाई आदमी से जाकर लोन वापस लेके आए, क्योंकि कंपनी का ऑफिस एक जगह, दो जगह, तीन जगह पूरे ऑल इंडिया में मिलेगा। हर जगह उसका ऑफिस देखने के लिए आपको आस पड़ोस में कभी भी देखने के लिए ऑफिस नहीं मिलता है, काफी कम समय या काफी कम जगह ही इनका ऑफिस रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर लोन रिकवरी के लिए एक्स क्या करेगी, जो एक्स कंपनी है वो किसी जेड आदमी को पकड़ेगी, किसी तीसरे आदमी को पकड़ेगी जो आपके आसपास रहता हो। अब उस आदमी को उसने देना है कमीशन 10% 5% पे ठेका दे देना है, कॉन्ट्रैक्ट दे देना है कि जितना भी भैया जी रिकवरी करके लाओगे उसमें से 10% पैसा मैं आपको दे दूंगा, ऐसा वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट वो लोग को बन जाता है। और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जितना भी वो रिकवरी एजेंट पैसा रिकवर करके लाता है उसका 5% या 10% इस रिकवरी एजेंट को मिलेगा। तो ये रिकवरी एजेंट अब आपके घर आएगा, क्यों आएगा, तो इसको चाहिए 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए इसका कमीशन। तो 5,000 रुपए कमीशन कमाने के लिए ये आपके घर पर आएगा और आपसे लोन लेने के लिए जबरदस्ती करेगा, जो कि गैर कानूनी है और साथ ही साथ में इनलीगल है। आपके साथ गाली गलौज भी कर सकता है, आपको धमकी दे सकता है पुलिस केस करने की। और काफी एजेंट तो आजकल ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं पुलिस को ही लेकर आ रहा हूं, तो आप उनको सीधे बोल दीजिए कि आप पुलिस को ही लेकर आइएगा वरना मेरे घर आप नहीं आइएगा। अब यहाँ पर रिकवरी एजेंट भी ये जानता है कि अगर इसको पैसा कमाना है तो सामने वाले की इमेज को खराब करना होगा, तभी इसको वापस इसका पैसा मिल सकता है या फिर ये पैसा कमा सकता है। तो ये पैसा कमाने के लिए क्या करेगा, तो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे केस में आपके पास हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको सिंपली पहले तो इस रिकवरी एजेंट को समझा देना है कि भैया जी मेरे पास अभी कोई भी पैसा नहीं है, आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद आइएगा तो मैं आपका लोन का सेटलमेंट कर दूंगा। अब ये तुरंत बोलेगा कि मेरे सामने सेटलमेंट करो, तो आप उसको तुरंत जवाब दीजिएगा कि सेटलमेंट ऑफर तो लेकर आओ, सेटलमेंट लेटर तो लेकर आओ, उसके बाद तो सेटलमेंट होगा, या फिर ये आपको कहेगा कि पुलिस केस कर देंगे या लीगल केस, लीगल नोटिस होगा। तो आप इसको सीधे सीधे समझा दीजिए कि भैया जी जाइए लीगल नोटिस और लीगल केस जो करना है आप कीजिए, आप बिल्कुल ही फ्री हैं, अभी कोई पैसा नहीं मिल सकता है, जब पैसा होगा तो धीरे धीरे करके रिपेमेंट कर दिया जाएगा या वन टाइम सेटलमेंट करके लोन को क्लोज कर दिया जाएगा। ये बात अगर रिकवरी एजेंट के भेजे में घुस जाती है तो ठीक है, अगर नहीं घुसती है तो फिर ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली ही मुझे पता चला है कि जब रिकवरी एजेंट के ऊपर कोई केस होता है तो फिर वहां पे कंपनी अपना पलड़ा झाड़ लेती है, वो कंपनी साफ मना कर देती है कि मैंने भैया जी किसी भी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट नहीं किया था। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है अगर नाम कंपनी के ऊपर आता है तो। इसीलिए ये छोटा मोटा जो आदमी है 5,000 रुपए कमाने गया था, ये बीच में फंस जाता है, इसने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि पैसा वापस लाएगा लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अपना नहीं कर पाया क्लियर, तो अब कंपनी इसका साथ छोड़ देगी और इसको अकेले छोड़ देगी। अब यहाँ पर ये पड़ जाएगा अकेले, अब आपको क्या करना है कि इसके ही ऊपर दोस्तों लीगल एक्शन ले लेना है और किसी को फंसाना है कि भैया जी ये मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझसे लोन का रिपेमेंट करने के लिए बोल रहा है, जबकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है, और इसके खिलाफ आपको चाहिए होगा प्रूफ। सबसे पहले तो जैसे ही कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आए तो आप उसका नाम, उसके
फादर्स का नेम और साथ साथ में उसका फुल एड्रेस और वो कहाँ से आया है, वो उसका विजिटिंग लेटर, ये सभी चीज उससे डिमांड करें। और इसके बाद आपको चाहिए कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि सिर्फ कोर्ट ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि किसी को भी रिकवरी के लिए अपॉइंट कर सकती है। जब वहां से ऑर्डर मिलेगा तभी किसी चीज को सीज किया जाता है या किसी चीज से रिकवरी की जाती है। बिना कोर्ट के ऑर्डर के कुछ भी दोस्तों कोई भी स्टेप लेना किसी भी चीज से आदमी के लिए इलीगल माना जाता है, भले ही फिर उस केस में आपने लोन भी क्यों ना लिया हो। अब यहाँ पर ऐसी बात है तो अगर ये आदमी आपसे जबरदस्ती करता है तो आप इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए जिसमें कि पता चले कि ये सामने वाला आदमी गिल्टी है, इसका नाम पता एड्रेस कर लीजिए और इसके ऊपर कल होकर या सेम डे एक नोटिस भेज दीजिए, जिसके बाद अगर ये दोबारा आप घर पे दिखाई देगा तो आप इसके खिलाफ FIR कीजिएगा या फिर कोर्ट में केस फाइल कर दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो लोन का दोस्तों अमाउंट है वो भी कंपनी माफ करेगी, साथ साथ में आपको कंपेंसेशन भी पे करेगी, क्योंकि उसने आपके साथ जबरदस्ती की, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जो आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिला है उसको भी उल्लंघन किया है, साथ साथ में आपके घर वालों के साथ बदतमीजी की। कुछ भी अगर ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास पूरा पूरा दोस्तों रास्ता है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का। अगर इसके बजाबते ये लोग मान जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा रिकवरी एजेंट आजकल मानने को तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि इनको मोटा पैसा मिलता है रिकवरी करने के लिए और ये थर्ड पार्टी एजेंट हमेशा की तरह इलीगल ही पाए जाते हैं और इलीगल ही होते हैं, इनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती। और एक चीज और मैं बता दूं कि रिकवरी एजेंट तभी आपके घर पे आ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिकवरी एजेंट को तभी घर पे आना है जब सामने वाला आदमी उसको बुलाए कि भैया जी आज मेरे पास पैसा है, आज पैसा आके आप ले जा सकते हैं, तभी रिकवरी एजेंट घर पे आने का नियम है। अगर आपने किसी को ऐसा नहीं कहा और बिना बताए वो आपके घर पे या आपके घर वालों को परेशान कर रहा है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल ही कर सकते हैं। इसी के साथ किसी तरह की अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, या फिर आपको सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे मैसेज करके मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।